दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको मेंसिल को शुद्ध करके दिखाएंगे और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है वो सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको मेंसिल के बारे में बताएंगे और इसको शुद्ध करके दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों मेंसिल एक ऐसा धात्विक खनिज है जो कि जल तापीय या ज्वालामुखी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये विषाक्त होता है, इसको शुद्ध करके प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसे हिंदी में मेंसिल या मनसिल नाम से जानते हैं। मराठी में इसे मेंसिल, गुजराती में मणसल, तेलुगु में मानुशीला, अंग्रेजी में इसे रिलगार कहते हैं। इसके अलावा इसे रेड आर्सेनिक या रूबी सल्फर नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम आर्सेनिक डाइसल्फाइड है। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। मानसिक रोगों के लिए प्रयुक्त होने वाली ये एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने इसका बहुत प्रयोग किया है, इसीलिए इसको मनसिला नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग औषधि प्रयोग के साथ साथ रंग बनाने के लिए, ज्योतिष विद्या में, तंत्र सम्मोहन के लिए, महाविद्या पुगलामुखी के हवन सामग्री में भी इसका प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा रावण संहिता में, वात्सल्यन के तामसूत्र में, तिला निर्माण में भी इसका प्रयोग बताया गया है। दोस्तों आज हम आपको मेंसिल की शोधन विधि बताएंगे, जिसमें हम अदरक के सौरस के साथ इसका शोधन करेंगे। इसके अलावा अन्य शोधन विधियों में मेंसिल के चूर्ण को जयंती, भांगरा या रक्त अगस्त के सौरस के साथ क्रमशः 24 घंटे पकाने से, दोला यंत्र में पकाने से भी ये शुद्ध हो जाता है। उसके बाद बकरी के दूध से भी पैका जाता है और कांजी से साफ किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि मेंसिल को शुद्ध करने के लिए इसको बारीक पाउडर बना लें, कूट के इसे बारीक पाउडर बना लें। उसके बाद इसको खरल में डाल लें। खरल में डालने के बाद इसके अंदर सौंठ यानी जो अदरक होती है उसके सौरस की भावना देनी होती है। मेंसिल मुख्य रूप से तीन भेद बताए गए हैं, जिसमें एक होती है श्यामांगी रक्तवर्ण की जिसको श्रेष्ठ बताया गया है, एक होती है कणवीरिका जो कि पीतवर्ण की होती है, और एक होती है खंडक्य जो कि अति रक्तवर्ण की होती है जो कि औषध प्रयोग के लिए श्रेष्ठ बताई गई है। श्यामांगी के लक्षण होते हैं कि ये श्याम यानी काले कलर की, लाल और किंचित पीत वर्ण वाली भार वाली होती है, इसे श्यामांगी कहते हैं, ये श्रेष्ठ होती है। इसके अलावा कणवीरिका लक्षण होते हैं कि यह ताम्र के समान रक्तवर्ण की, चमकदार और पीतवर्ण से रहित हो, उसे कणवीरिका कहते हैं। इसके अलावा जो खंडक्य है, जो मनशिला अत्यंत रक्तवर्ण आसानी से चूर्ण होने वाली भार वाली हो, उसे खंडक्य मनशिला कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अदरक का सौरस निकालना है और इस सौरस को कपड़े से अच्छे से छान लें। छानने के बाद दोस्तों जो हमने मनशिला का चूर्ण बनाया था उस चूर्ण में आपको इस सौरस को डालना है। थोड़ा थोड़ा करके सौरस चूर्ण में डालिए और खरल कर दीजिए। इस तरह से आपको लगभग एक पहर यानी तीन घंटे में आपका ये जो सौरस है ये पूरी तरह मेंसिल पी लेगी और आपको ये मेंसिल सूख जाएगी। इस तरह से सात दिन तक एक एक पहर यानी तीन तीन घंटे इसकी अच्छे से घुटाई करनी होती है। इस तरह से घुटाई करने से कहा जाता है कि मेंसिल शुद्ध हो जाती है। दोस्तों इस तरह से आप मेंसिल को शुद्ध कर सकते हैं। मेंसिल के जो गुणधर्म की हम बात करें तो मेंसिल कटु गुण वाली, स्निग्ध, तिक्त, कफनाशवात्मक और लेखन व सारक औषधि होती है। विशेष रूप से उन्माद, अपस्मार, भय और भूतावेश जो रोग होते हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। ख़ास तौर से आपके मन पे विजय पाने के लिए मेंसिल का बहुत अच्छा प्रभाव है। दोस्तों विष विकार, श्वास काश आदि के योगों में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। इससे बहुत से योग बनाए जाते हैं, जिन्हें मत संजीवनी रस, चंद्रशेखर रस, महाजवरांकुश रस, गदमुरारी रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, रस माणिक्य, समीर पन्नक रस, अष्टमूर्ति रसायन,
व्याधि हरण रस, गद मुरारी रस, काल केट रस नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो इसकी मात्रा बहुत कम ली जाती है। अगर इसको अकेले को प्रयोग करना हो तो रति का 16वां भाग लगभग 8 से 10 mg तक ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसकी अन्य विधियों में प्रयोग करने के लिए इसकी भस्म बनाई जाती है और इसका सत्वपातन करके भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर इसके रासायनिक उपयोग की बात करें तो जो आर्सेनिक होता है उससे संख्या निकाला जाता है। कैल्शियम और तांबा आदि का शोधन के लिए भी मेंजिल का प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण उद्योग, रडार, कार आदि के यंत्र उपकरण बनाने के लिए भी आर्सेनिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा विस्फोटक सामग्री, ऊन, लकड़ी, चमड़े आदि के क्षेत्रों में आजकल आर्सेनिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। मेंजिल का प्रयोग होता है जो कि उद्योगों में काफ़ी काम लिया जाता है। औषधि प्रयोग में आजकल कम काम लेने की वजह से ये औषधि पिछड़ सी गई है, लेकिन आजकल कीमोथेरेपी में कैंसर के रोगियों के लिए मेंजिल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों इसके बहुत ही फायदे हैं। आप इस तरह से 7 बार इसको अच्छे से अदरक सौरस से घोट लीजिए। जब ये सूख जाए उसके बाद पानी से भर के इसको छोड़ दीजिए। दोस्तों ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने अदरक का सौरस इसके अंदर घोटा था उससे इस औषधि में कुछ और उष्णता आ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। तो जो अदरक का सौरस है उसको कुछ अम्लता कम करने के लिए और कुछ इसके इस प्रभाव को कम करने के लिए इस तरह से निथार के पानी को, ऊपर के पानी को निथारना है। तो दोस्तों इस तरह से कम 3 बार आप इसके ऊपर के पानी को निथार देंगे तो जो आपको शुद्ध मेंजिल प्राप्त होगा। दोस्तों आंतरिक प्रयोग के लिए मेंजिल का प्रयोग करने से पहले उचित वैद्य की सलाह अवश्य लें, सीधा ही प्रयोग न करें वरना आप इसका नुकसान भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों मेंजिल का प्रयोग करके आप बहुत सी रोगों में फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो अच्छा वैद्य हो, जानकार वैद्य हो, उसकी निगरानी में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों देखिए हमने जो निथारा हुआ पानी था उसको एक बार और थोड़ी देर रख लिया और उससे भी ऊपर का पानी हमने निथार के निकाल लिया है। तो इस तरह से ऊपर का निथरा हुआ पानी जो पीला कलर का दिखाई दे उसको निकाल लें और अंदर आपको शुद्ध रेड कलर का जो मेंजिल है वो प्राप्त होगा। इस तरह से मेंजिल को शुद्ध किया जाता है। इस शुद्ध मेंजिल की भस्म बनाई जाती है और उसके बाद इसका प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा बताया गया है। सीधे तौर पर आप इसको बाहरी प्रयोग में उपयोग ले सकते हैं जिसमें कई तरह के मलहम बनाए जाते हैं जो कि खाज खुजली, त्वचा रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद बताए गए हैं। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य मात्र इतना था कि आपको आयुर्वेदिक विधियों के बारे में सही जानकारी दें ताकि जिनको देख के आप जान पाएँ कि हमारे आयुर्वेदिक चीज़ों को किस उद्देश्य से, किस तरीके से इनको तरीके से तैयार करके उपयोग में लिया जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो हमने मेंजिल को रखा है इसको अच्छे से थाली में डाल के सुखा लीजिए और उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में मेंजिल के कई नाम बताए गए हैं जिसमें मनशिला, शिला हवा, कुंटी, गोणी, करवेरा का, नागजीविया, सोना पत्थर, मणिगंधक, दिव्य औषधि जैसे नामों से भी जाना गया है। तो दोस्तों इस तरह के सूख जाने के बाद इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना के आप बाहरी लेप के लिए आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और आंतरिक प्रयोग के लिए इसकी भस्म बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एक ही आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।